नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद अयोध्या से आए पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र का वितरण निरसा बाजार स्थित सभी दुकानों में वितरण किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गृह प्रवेश को लेकर पूरे देश भर में पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रविवार को निरसा बाजार स्थित सभी दुकानों में अयोध्या से आए पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र वितरण किया गया, जहां इस कार्यक्रम का शुरुआत निरसा स्थित दुर्गा मंदिर, माँ संतोषी मंदिर और बजरंगबली मंदिर में अक्षत एवं निमंत्रण पत्र देकर किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के द्वारा लोगों से यह अपील किया गया कि 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या में गृह प्रवेश की शुभ घड़ी में हम सभी अपने ही घरों को अयोध्या का रूप प्रदान करें और साथ अपने घर और मंदिरों को दीप और लाइट से सजाएं। वही कार्यक्रम में मौजूद भाजपा पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख गणेश मिश्रा ने बताया कि पार्टी के आदेश अनुसार हम लोग इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर लोगों के बीच पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र वितरण करने निकले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 जनवरी से 24 मार्च 60 दिन के अभियान के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन से सभी दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। मौके पर इस कार्यक्रम के संयोजक दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह ने बताया कि पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र देकर लोगों से यह अपील किया जा रहा है कि 22 जनवरी को सभी दुकानदार अपने अपने दुकान और प्रतिष्ठानों के दिवाली की तरह सजाए और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को भी दिवाली की तरह मनाए, जहां इस कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता मन्नू तिवारी, निरसा मंडल अध्यक्ष बृहस्पति पासवान, मधुरेंद्र गोस्वामी, रतन तिवारी, बांपी चक्रवर्ती, गोविंदा यादव, पूर्णेदु मालाकार, संतोष सिंह, भोला गोराय, इस कार्यक्रम के सह संयोजक बीरबल सिंह, इनके अलावा सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। आइए जानते हैं अपर्णा सेनगुप्ता, विधायक निरसा, और गणेश मिश्रा पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख, और संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। उल्लास के साथ हम लोग सब जानते हैं, पूरा देशवासी जानते हैं कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी 500 साल के बाद अपना मंदिर में स्थान में आ रहे हैं। तो इस पर तो पूरा देशवासी हम लोग हर्षोल्लास के साथ 22 तारीख को हम लोग सबसे पहले तो अपना घर को अयोध्या सजाएं। अयोध्या घर को इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे उस समय का समय में जैसे किस तरह से पत्नी का त्याग होना चाहिए, कैसे भाई का साथ होना चाहिए, किस तरह से सेवक का साथ होना चाहिए, ये संकल्प को लेते हुए घर में हम संस्कार देंगे और हम घर को सबसे पहले अयोध्या सजाएंगे और घर में 5 दिया हम जलाएंगे। कम से कम 5 दिया आप जितना सजा सकते हैं, लाइट से, फूल से, दिया से, जैसे हम लोग दिवाली और छठ में जैसे हम अपना घर को मंदिर को सजाते हैं, इसी तरह से घर से लेके हम मंदिर को सजाएंगे। हर जगह रामायण, उसके बाद बहुत सारा भजन चलते रहेगा और अपना मंदिर जहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ मंदिर को भी सजाएंगे और मंदिर में भी दिया जलाएंगे। साथ ही साथ बहुत चारों तरफ राममय का माहौल देख सकते हैं। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ निरसा बाजार से जो अयोध्या से अक्षत आया हुआ है वो अक्षत और मतलब इनवाइट के रूप में हम लोग हर घर को अभी जाएंगे और सबको इनवाइट करेंगे कि अयोध्या तो आए। अयोध्या तो अभी इतना भीड़ में नहीं जा पाएंगे लेकिन घर में ही अयोध्या सजाएं, अपना घर में दिया जलाएं और बाद में अयोध्या हम लोग सब चलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग चलेंगे लेकिन 22 तारीख को हम राममय हर माहौल को हम लोग बनाएंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ से एक हर घर में हम लोग अक्षत वितरण के लिए जाएंगे। अयोध्या में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। उस निमित्त हम लोग अयोध्या से आया हुआ अक्षत निमंत्रण सभी लोगों को दे रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने घर को अयोध्या बनाइए। आप अपने घर में शाम को 5 दीपक जलाएं, मंदिर में जाएं, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आप अपने घर में करें। सभी लोगों को अयोध्या जाना संभव नहीं है, इसलिए आप अपने घर को अयोध्या मानकर कार्यक्रम करें।
फिलहाल ये टोली जो अभी निकली हुई है ये मोटा मोटे निरसा क्षेत्र के कितने दूर तक भ्रमण करेगी? पूरा निरसा बाजार का मैं सभी लोगों को निरसा प्रखंड के 29 पंचायतों में अक्षत निमंत्रण पत्र वितरित किया जा रहा है। बाजार में आज पूरे बाजार का हम लोग सभी दुकानदार भाइयों को दे रहे हैं अक्षत निमंत्रण और उनसे अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घर में जैसे दीपावली के समय अपने दुकान को सजाते हैं वैसे सजाएं और दीपावली मनाएं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन। सभी कार्यकर्ताओं को यह कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि समिति निर्माण समिति जो भी काम करे और वो यदि बुलाए तो उसमें आपको शामिल होना है। हम लोग इन लोगों के कहने के अनुसार आए हैं और आज अक्षत वितरण का कार्यक्रम है। हम लोग जानते हैं कि इसके माध्यम से हम लोग सभी को निमंत्रण दे रहे हैं और यहाँ से जब आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी तो ऐसे सभी लोग जो वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको उस आस्था स्पेशल ट्रेन से हम लोग लेकर के जाएंगे। टिकट अपना कटाना है और भोजन का व्यवस्था वहाँ पर सारा अच्छा इंतजाम किया गया है तो ऐसे सभी क्षेत्रों से लोग वहाँ जाएं, इसी का ये निमंत्रण है। भगवान राम का जो लंबे समय से प्रतीक्षा था वो मंदिर अब बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसी अवसर पर सभी लोग 24 जनवरी से लेकर और 24 मार्च के बीच आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। 60 दिन का यह अभियान है। इस अभियान में पूरे देश के लोगों को हम लोग वहां ले जाएंगे और झारखंड से भी कार्यकर्ता और सामान्य जनता जाए, राम भक्त जाए, ऐसा हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं।